हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी मैंने चारपाई धुल दी है, क्योंकि जब दिल्ली से आए थे तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है घर में, तो इसी वजह से मैंने खाट भी धुल दी है और सारे कपड़े धुल दिए हैं। बस अभी लास्ट में बचे थे पायदान और इनको भी मैंने धुल दिए हैं और अब ये सूख जाएंगे। मैं यहाँ पर छत पर आ गई थी सुखाने के लिए इनको। और घर का काम तो आप लोगों को पता ही है कैसे फैल जाता है, अगर कहीं जाते हैं बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो अभी बस ये लास्ट मेरा जो काम बचा है बस वो पायदान का बचा है, बाकी तो मैंने सभी मतलब कर लिया है। और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बस जो थोड़ा थोड़ा सा बना रही हूँ, क्योंकि हरलीन को मुझे करना है कार्टून से दूर। अब मैं फ़ोन हमेशा मतलब पूरा दिन फ़ोन छुपा के रखती हूँ और एडिटिंग तब करती हूँ जब हरलीन सो जाती है, इस वजह से, क्योंकि इसकी जो कार्टून की आदत है वो मेरे को छुड़वानी है। क्योंकि अब मैं एक हफ्ते में देख लूँ, मतलब हफ्ते में सॉरी एक दिन छोड़ के अगले दिन वीडियो आ रही है मेरी, और मैं इसी वजह से ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना पूरा दिन फ़ोन मतलब छुपा के रखती हूँ हरलीन से, इसी वजह से, ताकि इसे जो कार्टून की गंदी आदत है वो चली जाए। तो यहाँ पर मैंने पायदान सुखा दिए थे और जो कपड़े सूख गए थे दो चार, मैं उन्हें उतार लूँगी। मैं अभी चेक कर रही हूँ मतलब सूखे या नहीं सूखे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, क्योंकि मैं अभी बस इनको ना सुखा के गई थी। तो अभी मैं जो चिमटे होती हैं ना कपड़ों पे लगाने की, वो उन्हें उतार के और अंदर रख लूँगी, क्योंकि ये भी ख़राब हो जाती है, इसी वजह से मैं इनको ना धूप में नहीं रखती हूँ। और जो कपड़े सूख गए थे वो अभी मैं नीचे लेके चली जाऊँगी, और अभी बस एक और महान काम रहा है इन पर प्रेस करने का, वो भी एक बहुत बड़ा काम दिखता है मेरे को। क्योंकि जब तक मतलब मैंने कपड़े पूरे वॉश नहीं करने के बाद और सब पर प्रेस करके नहीं रख देती मैं, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। और बस अब लास्ट काम बचा है इनको प्रेस करके रखने का। तो गाइस, यहाँ पर कपड़ों का काम तो मेरा ख़त्म हो जाएगा और अभी बस क्लीनिंग का रह रहा है, क्योंकि आज वैसे मैंने पूरा मतलब पानी से वॉश किया है पूरे घर को, मतलब फर्श को वॉश किया है, क्योंकि पोछे से भी इतना अच्छा नहीं कंट्रोल में हो पा रहा था, क्योंकि ऐसा 8-9 दिन तक घर जैसे बंद रहा तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। और जैसे हम कहीं जाते हैं लाइट तो खैर हमारे साथ ऐसा वो करती है बहुत बुरा। और यहाँ पर मतलब एक के लिए बल्ब चल रहा है, वो भी मैंने बाथरूम का, क्योंकि हरलीन रोती है फिर अंधेरे में ना, और बाकी जगह तो देखो ना मैंने लाइट बंद कर रखी है, क्योंकि लाइट जो इन्वर्टर था वो डाउन हो गया था इसी वजह से। और अब भी देखो ना रात हो जाती है फिर मतलब पूरे वैसे करके ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा घर ये बंद है तो इसी वजह से। और बस एक ही बल्ब चल रहा है, और मतलब अगर दो बल्ब चलाती हूँ तो मतलब इन्वर्टर डाउन हो जाता है। तो बस जहाँ पर हरली नहा रही थी ना, मैंने वहीं पर एक ही ऑन करके रखा। और अभी शाम का टाइम हो गया था, हम आ गए थे छत पर और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है आज, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ऐसा लगता है जैसे कहीं बारिश हुई हो, और बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा हरलीन भी खेलती रहेगी और थोड़ा बस मुझे भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि सुबह से काम में लग रही हुई हूँ, कभी ये कर कभी वो कर, बुरी हालत हो जाती है सच्ची में। अगर कहीं जाते हैं ना तो बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी। मैं तो गुस्से में बोली थी, मैंने कहा आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि इतना काम हो जाता ना, मैं मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, पता नहीं क्यों मुझसे ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता काम। तो अभी ये पायदान वैसे सूखे नहीं है, क्योंकि मैंने 2-2:30 बजे के आसपास धुले थे, ये सूखे नहीं है क्योंकि इन्हें ना मैंने मशीन में वो नहीं कर रहे थे ना ड्राई, इस वजह से, क्योंकि दिन में यहाँ पर लाइट नहीं रहती इसी वजह से, और शाम को 4 बजे लाइट आती है, और वैसे भी हमारे यहाँ की लाइट जो घर की लाइट है वो ख़राब हो रखी है, तो बड़ी दिक्कत होती है लाइट की उसमें ना, मतलब खाना पीना भी कुछ भी नहीं होता है लाइट के बिना, ऐसा बुरी हालत हो जाती है। और बस एक ही बल्ब चलता है, और अगर 2 जलाती हूँ फिर इससे इन्वर्टर डाउन हो जाता है। और यहाँ पर देखो इतनी तेज़ हवा चल रही है, अब बहुत ज़्यादा तूफान आ चुका है, और ये देखो पेड़ कैसे हिल रहा है मैं खिड़की में से, क्योंकि बाहर जाने की मेरे को हिम्मत ही नहीं हो रही है। और ये देखो मतलब ऐसा हो रखा था एकदम जैसे हम शाम के टाइम छत पर चढ़े और थोड़ी देर के बाद इतना ज़्यादा तूफान आया, बहुत ज़्यादा तूफान आया, और बारिश का मौसम बन गया तुरंत ही, मतलब ऐसे 5 या 6 मिनट में ऐसा मौसम चेंज हुआ, एकदम बारिश होने लगी और इतनी तेज़ तूफान आया। और देखो उधर से ना बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है, वो मतलब दिख रही थी जो धूल धूल होती है ना कि हाँ उधर से तूफान आ रहा है। और मैं तो हरलीन को लेके नीचे चली गई थी, मैंने कहा डर लगता है फिर बच्चे को ऐसे
कभी कुछ आ जाए छत पे उड़ के, तो इसी वजह से मैं हलिंग को नीचे मतलब बिठा दी थी, वो खेलने लगी है और मैं भी मतलब छत पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी कि मतलब मैं छत पे जाके वीडियो बना लूँ, क्योंकि इतनी तेज़ तूफ़ान चला, बहुत ज़्यादा तूफ़ान चला, तो बस मैं मतलब गेट से खड़ी होकर ही वीडियो बना रही थी छत की। और ये देखो पेड़ इतना ज़्यादा हिल रहा था, बहुत ज़्यादा, इसी वजह से मैं मतलब छत पर भी नहीं गई, मैंने कहा कभी कुछ उड़ के आ जाए और सर्वर में लग जाए, इसीलिए बस मैं बाहर मतलब अंदर से ही वीडियो बना रही थी। और ये देखो पेड़, आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ तूफान चल रहा है। और हर्ली पता है ज़िद करने लगी, क्योंकि उसका ना बारिश का मन था कि मेरे को बारिश देखनी है, बारिश देखनी है, बट बहुत ज़्यादा रो रही थी कि बारिश की वजह से ना उसे बारिश देखना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और बारिश भी अब होने लगी तो मैंने गेट खोल दिया था, लेकिन पता क्या, गेट जैसे मैंने खोला ना तो मतलब अंदर बारिश आ रही थी। और हरलीन बड़ा अच्छा लगता है, हरलीन को बारिश का मैंने बहुत बताया है, हरलीन को बड़ा अच्छा लगता है बारिश देखना, तो मैं यहाँ पर गेट पे ना खड़ी हो गई थी उसे लेके। और लाइट तो खैर आज आएगी नहीं, और इन्वर्टर भी डाउन हो गया है, आज बुरी हालत हो गई है हमारी ना, क्योंकि ये देखो पूरा ना घर में अंधेरा हो रखा है क्योंकि इन्वर्टर भी डाउन हो गया, बस एक ही बल्ब चल रहा था और फिर वो भी डाउन हो गया था, मतलब एक भी बल्ब नहीं चल रहा था फिर पहले दिन में, क्योंकि हरलीन को रात में मतलब अंधेरे की आदत नहीं है। तो और ये देखो आज कैंडल में मतलब वो करना पड़ा है। और यहाँ पर हरलीन कार्टून देख रही थी क्योंकि अंधेरे में ना रो रही थी, इसी वजह से इसको ना फिर फ़ोन दे दिया था हमने, मैंने कहा फ़ोन ले ले थोड़ा हो जाएगी। और यहाँ पर ना मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई, और बाद में जब, और आज पता है फिर मतलब 11 बजे के आसपास लाइट आ गई थी। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर ही एंड।